हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पंडित शंकर लाल आचार्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का विषय है काला जादू कैसे करें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काला जादू भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से चला रहा है। यह है सदियों पुराना एक ऐसा वशीकरण, या किसी को भी अपने कार्य में सफलता पानी होती है तो वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। जब उनका कार्य सीधी उंगली से ना हो रहा हो तो उन्हें अपनी उंगली टेढ़ी करके काले जादू का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, काला जादू एक ऐसा वशीकरण और एक ऐसा प्रचंड शक्तिशाली उपाय है जिसके ज़रिए आप किसी भी कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही, आप किसी वजह से परेशान हैं, तो आप आज की इस वीडियो से अपने कार्य को बनाने में सफल हो सकते हैं, अपने कार्य में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, काले जादू के ज़रिए हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। जैसे काले जादू से किसी लड़की को आप पटाना चाहते हैं, या फिर आपकी लव मैरिज करवाना चाहते हैं, घर में कलेश हो रहे हैं, या व्यापार में कोई भी हमें मुनाफा नहीं हो रहा, या फिर बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर में क्लेश रहता है, आपका पति अगर किसी दूसरी पराई औरत के साथ लगा हुआ है, या फिर आपकी पत्नी किसी मर्द के साथ रिलेशन में है, तो आप इन सब प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं ब्लैक मैजिक के ज़रिए। अगर आपके घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, उससे भी आप बच सकते हैं। दोस्तों, आप अगर इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हमारे इस वीडियो में छोटे से टोटके और उपाय के ज़रिए आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में सफल हो सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। काला जादू करने के तरीके हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपको एक काले रंग का धागा ले लेना है, सवा मीटर ही आपने काला कपड़ा ले लेना है। अब उस कपड़े में आपने अपने घर परिवार वालों के सारों के हाथ से एक एक मुट्ठी चावल डलवा लेनी है। अब उस काले कपड़े को आपने ठीक से बंद करके काले धागे से बांध देना है और एक मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप इस प्रकार से है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय वशमे नमो देवी नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपने इस पोटली को बांधते हुए चले जाना। दोस्तों, जैसे जैसे आप इस पोटली को बांधते हुए चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी सारी दुख तकलीफ, सारे संकट इस पोटली में कैद हो जाएंगे। और जैसे ही आप उस पोटली को चलते पानी में प्रवाह करके आएंगे, वैसे ही आपके जीवन से सारे गम इस पोटली के जैसे ही बहता है पोटली पानी में, वैसे वैसे आपके सारे गम पानी में बहते हुए एक बार फिर से चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस छोटे से टोटके से अपने जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं, अपने जीवन में वो कामयाबी की सीढ़ियों को छू लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो से अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है, आप अपने कामयाब तरीके पर पहुंचते हैं, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।